बात करेंगे यूपी डब्ल्यूएससी पैट 2022 आखिरकार इसका रिजल्ट कब आएगा। काफी दिनों से लोग वेट कर रहे हैं, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को इसे एग्जाम कंप्लीट करा दिया गया था, लेकिन अभी तक जो है इसका रिजल्ट अपलोड नहीं किया गया है। तो आज ये इन तीन क्वेश्चन पे बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, कौन कौन सी वैकेंसी आएगी, आखिर आपने पैट इतनी मेहनत करके दिया था तो आपको क्या इसका फल मिलने वाला है, कट ऑफ क्या रहेगी। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि बच्चों का कि रिजल्ट कब आएगा। तो यूपी डब्ल्यूएससी की तरफ से जो बयान आया है, एक तो लेखपाल को लेकर आया है कि और यूपी पैट को लेकर आया है। लेखपाल के लिए यही आया था कि हम लोग फरवरी में कोशिश करेंगे कि इसका रिजल्ट अनाउंस करने की, तो लेखपाल का रिजल्ट जो है फरवरी में आ सकता है। और यूपी डब्ल्यूएससी पैट का जो रिजल्ट है वो आपको 15 जनवरी तक उन्होंने बोला है कि हम इसका रिजल्ट निकाल देंगे, तो ज्यादा समय नहीं रह गया, मुश्किल से 22-23 दिन रह गए हैं, तो 15 जनवरी को आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 8 जनवरी तक की वैलिडिटी है 2021 वाले की, तो 15 जनवरी आप मान के चल सकते हैं, और ये यूपी डब्ल्यूएससी ने खुद कहा है तो मान के चलिए बहुत ज्यादा सच्चाई होगी इसमें। कौन सी वैकेंसी आएगी, तो जिसके लिए आपने पैट दिया है, इतनी मेहनत करी है, तो कौन कौन सी वैकेंसी आपको वेलकम में मिलेगी कि जैसे ही आपने पैट पास करा और तुरंत ये वैकेंसी आ गई। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, 2024 में जो है वो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और 2023 जो है वो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी वैकेंसी आएंगी बच्चों को रिझाने के लिए, वोटर्स को रिझाने के लिए, और कंप्लीट भी कराई जाएंगी, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो नॉर्मल बात है इसको कंप्लीट कराया जाएगा। सरकार के लिए भी अच्छा एक मौका होगा कि युवाओं को तरफ आकर्षित करने के लिए, और बच्चों के लिए भी एक अच्छा मौका होगा कि उसको कैप्चर करने के लिए। तो बात कर रहे हैं कौन कौन सी वैकेंसी आएगी, तो सबसे नंबर वन लेखपाल, लेखपाल जो है वो आपकी लगभग 4,500 के आसपास अभी जो वैकेंसी है वो अभी आपको अनाउंस कर दी जाएगी पैट के बाद में, हो सकता है कि फरवरी या मार्च में आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ये वैकेंसी पहले ही ऐड होने वाली थी लेकिन इसको रोका गया 2023 के लिए। तो सबसे जो चर्चित वैकेंसी है वो है लेखपाल की, वो अनाउंस कर दी जाएगी। दूसरी अगर बात करें तो लोअर की, लोअर आपको देखने को मिलेगी लगभग 900 से लेकर और 1,000 के बीच में, लोअर के भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और तीसरी जो है वो आपकी फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड भी लगभग 600 के आसपास वैकेंसी है, और ये आपकी बार जो है वो आपका पैड के थ्रू ही होने वाला है, पिछली बार तो ऐसा नहीं हुआ था। और चौथी जो वैकेंसी है वो आपका जूनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट जो है वो लगभग 1,000 से लेकर और 1,500, ये एक बार फिर से आ सकती है, लेकिन ये थोड़ी सी लेट आएगी, आप मान के चलो अगस्त सितंबर या अक्टूबर तक भी ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन आएगी जरूर, थोड़ा सा लेट आएगी। अभी एक दे दी गई है 2021 के थ्रू, और क्योंकि टोटल 3,000 वैकेंसी थी लेकिन इसमें इसको ब्रेक कर करके निकाला जा रहा है। तो ये चार जो वैकेंसी है बहुत चर्चित, सबसे ज्यादा जो है वो चर्चा में रहने वाली, तो आपको ये जरूर देखने को मिलेगी वैकेंसी, और आगे अगर आई तो हो सकता है कि बंदरोगा भी देखने को आपको मिले। अभी तो ये वैकेंसी चल रही है, बंदरोगा भी आ सकती है वैकेंसी, लेकिन अभी इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। और बाद में सुनना है कि माध्यमिक जो विद्यालय आपके होते हैं उसमें क्लर्क की डायरेक्ट वैकेंसी आ सकती है पैट के थ्रू, तो अभी 5 से 6 वैकेंसी जो है वो आपकी ट्रेन करेगी, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी, और हो सकता है कि आपका यूपी वीडियो इसको भी ऐड कर दिया जाए आपका पैड के थ्रू। तो 5-6 ये वैकेंसी होंगी, जिसमें देखिए 3-4 वैकेंसी तो कंफर्म है, आना ही आना है, जिसके लिए पैड एग्जाम कराया गया। इसके लिए कट ऑफ की अगर बात करें कि कट ऑफ क्या रहेगी आपके लिए, तो कुछ पोस्टों के लिए कट ऑफ हाई देखने को आपको मिलेगी, जैसे लोअर के लिए थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगी कट ऑफ, कि पैड में आपका अच्छा स्कोर हो तब आप लोअर के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे फाइनली। लेकिन आपका जूनियर स्टैंड है और आपका वीडियो है, इसमें नंबर्स ऑफ वैकेंसी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर कट ऑफ अगर आपका एवरेज भी होगा तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। और लेखपाल के लिए तो अगर 60 से 65 भी के बीच में अगर आपके नंबर होंगे तो उम्मीद है कि आपका लेखपाल में मेंस के लिए हो जाएगा, और इसलिए अभी से आप तैयारी करिए, मई जून जुलाई में आपका एग्जाम हो भी सकता है लेखपाल का, तो बेहतर तरीके से तैयारी करिए। ये सारी वैकेंसी है जो 2023 में आपको मिलेंगी। तो अभी तक का यही अपडेट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।